हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इस प्यारी सी बटरफ्लाई के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत है। और सुबह सुबह जब गार्डन में आओ तो ये सारी चीज़ें देखकर तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए, बहुत देर तक बैठी हुई थी तो मैंने शूट कर लिया गॉमफ्रेना के फ्लावर पे। तो अभी सारे मेरे प्लांट थोड़े अस्त व्यस्त हैं, कुछ कुछ को मैंने सेट किया है। और उसी बीच में मुझे ये रिपोर्टिंग करनी थी हिबिस्कस के प्लांट की, उसको मैं कर रही हूँ। काफ़ी मेरे प्लांट अभी बचे हुए हैं जो रूट बाउंड हो गए हैं, और ये भी बहुत बुरी तरीके से रूट बाउंड हो गया था, और इसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी थी तो उसको भी मुझे हटाना था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि बस नीचे से ही इसके रूट को जो है कट करूँगी, ऊपर से कट नहीं करूँगी, क्योंकि ये रेड वाला ही हिबिस्कस है। और वैसे तो सही यही है कि हम नीचे से भी कट करें प्लांट को और ऊपर से भी कट करें जब हम सही करते हैं प्लांट को। तो बट अभी मैं ऊपर से कट नहीं करूँगी बिकॉज़ ये रेड वाला हिबिस्कस है, और अभी नवरात्र चल रहे हैं तो दुर्गा जी को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनको लाल कलर के गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, तो मैं ऊपर से अभी नहीं कट करूँगी क्योंकि काफ़ी सारी कलियाँ लगी हुई हैं तो फ्लावरिंग होगी। बट हाँ, मैं कुछ दिन में कट कर दूँगी जब नवरात्र ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं मिट्टी में से सारे जड़ को अलग कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ढेर सारे ऐसे एक दूसरे में मिल जाते हैं, और ये मैंने फाइनली लगा दिया है। खाद वगैरह हल्की सी मैंने डाली है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट था वही मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, उधर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, और ये सारी जो आप साइड में देख रहे होंगे ना, ये सारी आम की लकड़ियाँ रखी हुई हैं। काम होने की वजह से जो है आम का पेड़ कट गया है, पूरा नहीं कटा है, सिर्फ ऊपर से ब्रांचेस कट हुई हैं। और ये वाला हिबिस्कस तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है आजकल, खूब ढेर सारी कलियाँ आ गई हैं। मैंने खाद भी डाल दिया था, वर्मी कंपोस्ट डाला था, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। कलर भी इसका मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। इसका मैं एक येलो कलर लाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। एक ये भी कलर ऑरेंज वाला भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई प्लांट है जो रूट बाउंड हो गया है तो अभी टाइम है, आप उसको रिपोटिंग कर सकते हैं नया सॉइल मिक्स बना के। तो अभी टाइम है, कर लीजिए, वरना अभी ठंडी आने वाली है तो ठंडी में जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं उनकी रिपोटिंग नहीं की जाती है। तो अभी टाइम है, आप कर लीजिए। और ये मैं आपको एक कलर दिखाना भूल गई थी, ये पिंक और वाइट मिक्स कलर में है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये भी लगता है। इसके भी कई सारे प्लांट हैं। और ये देखिए, ये सुबह सुबह मेरी डॉटर जो है तितली को पकड़ रही है, और ये देखिए उड़ गई, उड़ के जाके प्लांट पे बैठ गई। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मेरे आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने अपने किस किस प्लांट को रिपोर्ट किया है और अपने गार्डन में क्या क्या अभी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।